दिल्ली में झारखंड कांग्रेस विधायकों की राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। ये बैठक राहुल गांधी के सरकारी आवास पर हुई। झारखंड कांग्रेस के सभी 18 विधायक, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत तमाम नेता इस बैठक में शामिल हुए। वहीं बैठक के बाद झारखंड कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत हुई है। राहुल गांधी ने कहा है कि बहुत जल्द झारखंड में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने विधायकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि संगठन और उनके कार्यकर्ता उनके लिए सर्वोपरि हैं। अनुशासित होकर संगठन को मजबूत करें, संगठन ही हमारी ताकत है। वहीं राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अब और मजबूती के साथ हम लोग सड़क पर उतरेंगे, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जनता के हित में आवाज बुलंद करेंगे। नहीं, बहुत ही सकारात्मक बातचीत हुई। माननीय राहुल जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उससे पूरे विधायक दल का और साथ ही साथ हमारे प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का मनोबल और भी मजबूत हुआ है, उत्साह बढ़ा है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत और एक मजबूत कोऑर्डिनेशन कमेटी जिसमें कांग्रेस और जीएमएम के प्रतिनिधि मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और विभिन्न ऐसे इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर में गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है जिससे कि बेहतर समन्वय हो। आज हमारे सभी विधायकों को मिलने का अवसर मिला, साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोगों को भी मिलने का अवसर मिला। हमारे सीनियर लीडर्स आदरणीय ददई दुबे जी, फुरकान अंसारी साहब, इन सब लोगों के साथ हमारी मुलाकात आदरणीय राहुल जी से हुई है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आपको काम करना है और काम के हिसाब से जनता के बीच में अपनी पैठ बनानी है। संगठन को कैसे मजबूत करना है ये आपकी जिम्मेदारी है और जो सरकार की योजनाएं हैं अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। हम लोग अब मिलने के लिए आए थे और राहुल जी से हम लोग मिले हैं, हमारा आदरणीय राहुल जी से मिले और मिलकर हम लोग अपना अपना मिलने के जो ख्वाहिश जाहिर किए थे, जो अपनी बातें थी, सारी बात को हमने रखा और हम सब शब्दों में कहा कि कल में सारे विधायक इंटैक्ट थे, आज भी है और आगे भी रहेगी। ये बराबर अफवाहें निकल कर आ रही थी, आज भी देख लीजिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। कोई नाराजगी नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी ने सुना आप लोगों के बात, सबकी बात सुना। आने वाले दिनों हमारे नेता हैं, हमारे बदलाव की कहाँ बात आ रही है, बदलाव के लिए थोड़ी आज मीटिंग हुई थी। सरकार के साथ कंडीशन ठीक है ना? हेमंत सोरेन के साथ, हाँ, जो बातें हुई बोलना यहाँ नहीं है। पार्टी मजबूत रहेगी तो जो है कोलिशन भी मजबूत रहेगा, ये नटशेल हम कहा जा सकता है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत हुई कुछ? ओ तो वो है, वो नीतिगत सवाल है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। और जो झारखंड में मुद्दे हैं बहुत सारे ऐसे जिसपे कि आम सहमति से फैसला होना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी से मुलाकात हुई, पूरी बातों को विशेषकर आदिवासियों से संबंधित मामले, वहाँ का जल, जंगल, जमीन और विस्थापन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को मैं विस्तार पूर्वक रखा। तो दिल्ली में झारखंड कांग्रेस विधायकों की राहुल गांधी के साथ बैठक हुई है। ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि 18 विधायक अविनाश पांडे के नेतृत्व में राहुल गांधी से मिलने पहुंचे थे और बैठक के बाद राहुल गांधी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कही है, जिसके बाद नेताओं ने कहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बातचीत हुई है। और इसके साथ ही साथ जो विधायक ने राहुल गांधी से मुलाकात की है उनका कहना था कि अब बीजेपी के नीतियों के खिलाफ वो सड़क पर उतरकर काम करेंगे, जनता के हित में लगातार काम करेंगे। राहुल गांधी ने विधायकों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि संगठन और उनके कार्यकर्ता उनके लिए सर्वोपरि है, अनुशासित होकर संगठन को मजबूत करें, संगठन ही हमारी ताकत है। तो 18 विधायक राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे, मुलाकात हुई, बातचीत हुई और इस बातचीत में झारखंड में कांग्रेस को और कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर रणनीति बनाई गई, बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जनता के हित में आवाज बुलंद करने की बात कही जा रही है। तो ये बैठक जो हुई है राहुल गांधी के साथ झारखंड कांग्रेस के विधायकों की, झारखंड के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 18 विधायक अविनाश पांडे के नेतृत्व में राहुल गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर 18 विधायकों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई और झारखंड में कैसे कांग्रेस को और मजबूत किया जाए, कैसे जनता के हित में बीजेपी की
नीतियों के खिलाफ जनता के हित में काम किया जाए, इस पर रणनीति बनाई गई है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी, झारखंड में कांग्रेस को और मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद अविनाश पांडे को झारखंड कांग्रेस की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद झारखंड के विधायकों ने, कांग्रेस विधायकों ने राहुल गांधी से मुलाकात की इच्छा जाहिर की थी। झारखंड में और कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए वो राहुल गांधी से मिलना चाहते थे, जिसके बाद अविनाश पांडे की अध्यक्षता में झारखंड कांग्रेस के 18 विधायक दिल्ली पहुंचे, राहुल गांधी से मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद तमाम बिंदुओं पर बातचीत हुई। झारखंड में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर रणनीति बनाई गई। हमारी संवाददाता रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि विधायक राहुल गांधी से मिल चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात भी राहुल गांधी ने कही है, साथ ही साथ विधायकों का कहना है कि अब जनता के हित में सड़क पर उतरकर बीजेपी का विरोध करेंगे। विनीता, कहा जाए तो कल की जो अहम बैठक थी, चूंकि राहुल गांधी से 2 वर्षों में पहली बार ऐसा मौका था जब सभी विधायक एक साथ जाकर के दिल्ली दरबार में बैठक हुई, और बैठक के बाद जो है वो चाहे केंद्र सरकार के विरोध में नीतियां हो, बीजेपी सरकार के विरोध में नीतियां हो, या फिर झारखंड कांग्रेस को किस तरह से मजबूत की जाए, इस पर भी उन्होंने एक रणनीति बनाई होगी। और कहा एक तरह से यह भी देखा जा रहा है विनीता कि हाल ही में जो आरपीएन सिंह है, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं, उन्होंने जब कांग्रेस का साथ छोड़ा उसके बाद अविनाश पांडे ने 1-to-1 करके सभी से बातें की और जो है सभी की प्रतिक्रियाएं ली, ताकि जो बातें आ रही थी सामने कि कुछ विधायक जो है हमारे इधर उधर जा सकते हैं, तो वो अब जो है पुख्ता हो जाएगी, वो एकजुटता जो है वो बैठक के बाद दिखी। तो झारखंड कांग्रेस को किस तरह से मजबूती प्रदान की जाए, इस पर भी जो है विचार विमर्श किया गया है, आगे किस तरह से और भी रणनीति, चूंकि झारखंड अभी तो महागठबंधन की सरकार है, लेकिन कांग्रेस अपनी साख और ज्यादा बढ़ा सके झारखंड में, इस पर भी प्लान किया गया है। विनीता जी, रुचि, जो ये बैठक हुई है राहुल गांधी के साथ, विधायक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्या लगता है इस बैठक का असर झारखंड कांग्रेस में देखने को मिलेगा, झारखंड कांग्रेस खुद को और मजबूत कर पाएगी? जी बिल्कुल विनीता, चूंकि जो कांग्रेस के सभी विधायक हैं जब राहुल गांधी से मिले तो एक अलग ही उत्साह देखने को मिला, चूंकि 2 वर्षों में, जब 2 वर्षों का कार्यकाल रहा, सरकार बने हुए 2 वर्ष हो गए, लेकिन उतने समय तक उन्हें यह मौका नहीं मिला कि वो राहुल गांधी से 1-to-1 बात करे, लेकिन कल की जो बैठक रही वो अहम रही। पहले वो अविनाश पांडे से मिले, अविनाश पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई, उसके बाद राहुल गांधी से मिले, तो सभी ने राहुल गांधी जो है सब में एक ह्यूमैनिटी बूस्टर की तरह जो है मुलाकात जो काम की, और बिल्कुल बिल्कुल रुचि, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने की भी विधायकों ने बात कही है, और ये बैठक महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी होगी क्योंकि जिस तरीके से आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद अविनाश पांडे ने जिम्मेदारी संभाली है, और ऐसे में उनकी पूरी कोशिश होगी झारखंड में कांग्रेस को मजबूत करने की। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।